24 घंटे कृपा का अनुभव करने से भगवत दर्शन हो सकता है? बिल्कुल, सारी साधना छोड़ दो, जितनी भी आप साधना करते हैं सारी साधना छोड़ दो, जब पूजा पाठ भले सब छोड़ दो, एक ही भाव रखो, जो कुछ हो रहा है मेरे प्रभु कर रहे हैं, मेरे भले के लिए कर रहे हैं, ये कृपा है उनकी। चारों तरफ कुछ भी, पांचों इंद्रियों से जो भी आप अनुभव कर रहे हो, कृपा का अनुभव करो, सब कृपा है, कृपा है, कृपा है। बड़े से बड़ा दुख आए, प्रभु की कृपा है, जो प्रभु करते हैं मेरे भले के लिए करते हैं, सचमुच में इतना ही करते रहो। तो पिता की संपत्ति पर जैसे बेटे का स्वाभाविक ही अधिकार होता है बिना कमाए, इसी प्रकार बिना साधना किए भगत का भगवान पर वैसी अधिकार हो जाता है। कैसे? जैसे बच्चे के बाप की संपत्ति पर बच्चे का अधिकार, क्या करने से? बस यही भाव हमेशा करो जो आपने बताया, कृपा कृपा कृपा। काहू के बल भजन है काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। बहुत बड़ी साधना है, लेकिन ये साधना भी ऐसे नहीं होगी, इसके लिए बहुत सत्संग सुनना पड़ेगा, बहुत आशीर्वाद चाहिए लोगों का, सबका, तब जाकर ये भाव बनेगा। हृदय की पवित्रता चाहिए, पूर्व जन्म का भी संस्कार चाहिए, क्योंकि सबसे ऊंची साधना में दो साधना को मैं सबसे ऊंची मानता हूँ। मैं क्या शास्त्रों में लिखा है, मैंने उसको मतलब पूरा 100% उस बात को स्वीकार कर लिया अपने लिए। दो बात, एक तो ये जो आपने कहा, हर स्थिति में भगवान की कृपा मानो। जैसे ये सीरियल अब बंद हो रहा है, प्रभु की इच्छा से हो रहा है, नहीं हम, प्रभु ने हमको समर्थ दी, जितनी दी उतना मैंने बना दिया, अब और दे देंगे समर्थ, हम बना देंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनाएंगे, मन फ्रेश, दे दिया सेवा हमको तो हम बना देंगे सीरियल, नहीं दी तो नहीं बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो दिमाग क्यों खराब करना? हमको दुनिया की कोई खुशी खुशी नहीं कर पाती, दुनिया का कोई दुख हमको दुखी नहीं कर पाता, हम तो ये मानते जो हो रहा है मेरे प्रभु की इच्छा से। तो इस साधना को हमने अपनाया, एक तो ये साधना, सब ठीक हो रहा है, जो प्रभु करे, कृपा कृपा, एक बात। और दूसरी बात, सब के अंदर भगवान देखो, किसी का बुरा ना सोचो, ना बुरा करो, ईर्ष्या द्वेष ना करो, सबके भीतर भगवान। इस साधना की बहुत जगह महिमा पढ़ी शास्त्रों में, कौन सी साधना? सबके अंदर भगवान, निज प्रभु मैं देखें जगत कहिसन करूं विरोध। और दूसरी साधना जो आपने अभी पूछी, कृपा 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 को मनाओ हर समय, कृपा यही भाव करते रहो। किसने गाली दे दी? मेरे प्रभु कृपा, मेरा कोई पाप काटा प्रभु ने, हानि हो गई, कृपा मेरा कोई पाप काटा भगवान ने, मैंने भी किसी जन्म में किसी की हानि की होगी, मेरे प्रभु ने वो पाप मेरा काट दिया। ऐसे पवित्र भाव रखो, कृपा कृपा कृपा, चारों तरफ कृपा बरस रही है, हर स्थिति में कृपा को मानो, इतने से भगवान की प्राप्ति है।